sides are parallel. एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है और हमें ई एफ पैरेलल सी डी भी दिया है। तो ये आपको पता है कि अगर ए बी सी डी के भी पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के भी पैरेलल है, देयरफॉर ए बी इज आल्सो पैरेलल टू ई एफ। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, ए ई बटा डी ई इक्वल टू बी एफ बटा एफ सी, यानी कि दिस ओवर दिस इक्वल टू दिस ओवर दिस, यह हमें प्रूव करना है। यह प्रूव टू प्रूव लिखा है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ए और सी को जोड़ दिया, जॉइन ए और सी डायरेक्ट इंटरसेक्ट ई एफ एफ ओ। तो हमने ये वाली ट्रायंगल ले लिया पहली, प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये ई ओ जो है पैरेलल टू ई सी डी है, ये इसके पैरेलल है। तो क्या होगा, ए ई ओवर डी ई इक्वल टू हो गया ए ओ ओवर ओ सी बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1। अगर कोई लाइन एक से एक साइड के पैरेलल है, दूसरी दोनों साइडों को काटेगी तो वो प्रोपोर्शनली काटेगी। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी वो एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, देयरफॉर ए ओ बटा ओ बी ओ सी इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी बाय बी पी टी। ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो नंबर। अब देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, फ्रॉम वन एंड टू तो ये एसीआर ए ओवर डी इक्वल टू ए ओवर एसी ओसी है, पर ए ओवर ओसी बी एफ ओवर एफ सी है, देयरफॉर ए ई बटा डी इक्वल टू हो गया बी एफ बटा एफ सी। Okay, thank you.